का शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फंडा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, और यहीं से आपकी कहानी को शुरू करना है। भाई देखे, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए कही चीज, एक चीज कही जाती है ना, जो भी आप कहते हैं ना कि हम स्टूडेंट है ना, तो अगर हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के देखिए पांच क्वालिटी होती है ना। बहुत पहले मैंने सीखा था भाई, स्कूल मेरे को समझाया गया था, ऑल्दो मैंने भी उतना फॉलो नहीं किया है ना लेकिन ये है कि भाई की वो चीज होनी चाहिए है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम, है ना भाई। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पांच लक्षण विद्यार्थियों के अंदर होने चाहिए। विद्या का अर्थ मतलब विद्यार्थी मतलब क्या, जो विद्या को चाहने वाला है, संधि विच्छेद यही है भाई, है ना इसका। तो जाहिर सी बात है, जिसको विद्या ग्रहण करने वाला है, जिसको जो सीखने वाला है, उसके पास ये पांच चीजें जरूर होनी चाहिए। एक करते हैं ना कि काक चेष्टा कौवे की तरह प्रयत्न करना चाहिए, बको ध्यान मतलब बकुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए, है ना। श्वान निद्रा मतलब कहते हैं कुत्ते की तरह आपको सोना चाहिए, कि जैसे कुत्ते के पास कभी आप हल्का सा स्टेप उठाइए और तुरंत वो जग जाता है, कितनी भी नींद में होगा, कितना भी कहते ना खर्राटे लेता रहेगा, आपके एक स्टेप लगाने से भाई क्या होगा कि तुरंत वो उठ जाता है ना। तो कहते हैं उस तरह से आपका ध्यान, वो कहते उस तरह से आपकी नींद होनी चाहिए, है ना। फिर उसका कहते हैं भाई क्या, अल्पहारी कम खाने होने वाले चाहिए, नहीं कि बिल्कुल पाव भाजी खा के बिल्कुल कहते ना कि बर्गर पिज्जा खा के बिल्कुल एकदम ऐसे होकर बैठे हुए हैं कि एक बार ऐसे मुड़ने के लिए भी आपको कहिए कि मम्मी बुलाए, मम्मी थोड़ा सा ऐसे मुड़ो, मुझे वहां आपसे एक कॉपी उठानी है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ भाई बिस्तर का त्याग किया करिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी बेड पे बिस्तर पे कभी भी पढ़ाई आपकी नहीं हो सकती है। तो भाई इन सारी चीजों का, पांच चीजों का ध्यान रखिए, डेफिनेटली आप देखिए लाइफ में बहुत कुछ आगे कर जाएंगे, ठीक है भाई। तो शुरू किया जाए भाई, हाँ जी बता दिया निधि सोनीपत जी, हिंदी में बता दिया, आप शायद लेट मैसेज कर रहे हैं, हाँ जी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें कहा जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 और 6 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो जाती है भाई, एक साथ हो जाती है। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, पहले जरा वो समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, ठीक है भाई। समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने कंडीशन निकल के आई, और इस कंडीशन में आपसे पूछा गया, आपसे ये बोला गया है ना, जैसे ये क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा, क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि भाई 5 से 6 बजे के बीच में, तो 5 और 6 बजे का मतलब क्या है, जैसे मान ली घंटे की घड़ी वाली सुई है ना, घंटे की घड़ी वाली सुई, वाह क्या खतरनाक वर्डिंग बोली मैंने, है ना भाई, इसे कहते हैं भाई टैलेंट, है ना। मतलब ये कह रहा है भाई कि घंटे वाली सुई होगी वो क्या होगी भाई, 5 पे है, और मिनट वाली सुई है 12 पे। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए, तो दोनों को जब हम एक साथ चलाते हैं तो आपने चीज ऑब्जर्व की होगी भाई, मिनट वाली सुई थोड़ी सी पतली है, लंबी भैया बहुत तेज तेज भागती है, और घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी है, थोड़ा धीरे धीरे चलती है। तो थोड़ा सा ही जब तक घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी, तब तक मिनट वाली सुई को क्या कर चुकी होती है भाई, ओवरलैप कर चुकी होती है, ठीक है। और ओवरलैप करने के बाद फिर से इसने देखा मिनट वाली सुई ने भाई कि ये तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, ये फिर से मूव करते करते कहां पहुंच चुकी होती है, जब ये प्रॉपर फिर से आपकी 12 पे पहुंच चुकी होती है, तब तक आर वाली जो नील होती है वो कहां पहुंच चुकी होती है भाई, 6 पे पहुंच चुकी होती है, ठीक है भाई। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वॉयलेट कलर से पर्पल कलर से हमने भाई यहां पे जो शो किया है आइकन, जो मैंने नील की कंडीशन शो की है कि जब दोनों सुइयां एक साथ है, जब दोनों का आपस में क्या हो गया भैया, संयोग हो गया है ना, संयोग हो गया, एक साथ हो गई, तो ये वाला समय क्या है, यही आपसे समय पूछा जा रहा है, क्लियर फंडा, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप चीज को ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है भाई, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या करना है, मिनट इज इक्वल टू कितने मिनट के बाद ये कंडीशन आएगी, तो मिनट निकालने के लिए क्या करना है, घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस करना है, 2 into एंगल कर देना है, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है बाबू, 11 कर देना है, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है जिसके भी आप पे आपके कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, बस इसको ध्यान रखना है, क्लियर फंडा। अच्छा अब जरा समझा जाए कि सर यहां पे H क्या है और उसके साथ साथ ये A क्या है। तो H का मतलब होता है भाई जो प्राइमरी वैल्यू आपके पास होगी कंप्लीट वाली, उसी को आप H की जगह पे लिख दीजिएगा, और यहां पे A की वैल्यू क्या है, A बोले तो एंगल, और एंगल आपको कहां से पता चलेगा, एंगल पता चलेगा जो इस तरह के वर्ड आपके सामने लिखे हुए मिलते हैं, इससे आपको पता चलेगा एंगल। अच्छा कह रहा है जब दोनों सुइयां एक साथ हो जाएं, जब दोनों एक साथ हो जाएंगी तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहिएगा सर कोइंसाइड वर्ड लिखे होने की वजह से इन दोनों के बीच में बताइए कितने डिग्री का गैप है, सर 0 डिग्री का गैप है। तो आपको क्या करना है, 60 into में आर की वैल्यू कितनी लिख देनी है, 5, प्लस माइनस करना है, 2 into एंगल की वैल्यू कितनी लिख देनी है, 0, डिवाइडेड बाय क्या कर देना बाबू, 11, तो ये कितना हो जाएगा, 300। अब बताइए 300 चाहे प्लस 0 करिए चाहे माइनस 0 करिए, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा 300/11 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, 11 दुना 22 हो जाएगा सर, है ना। अब उसके बाद देखिएगा तो 11 दुना 22,
आठ हो गया, 11 7 77 27 3/11 तो मिनट, 27 से ही 3/11 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे के साथ साथ हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा आसानी से आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया फंडा, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिन लोगों ने भाई इसका आंसर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी को ध्यान रखिएगा सभी लोग कि सर ये प्लस और माइनस की वैल्यू कब आपकी भाई मैटर करेगी, तब मैटर करेगी जब यहां एंगल की जगह पे, जीरो की जगह पे कोई भी अगर अगर एक डिग्री दो डिग्री कोई भी एंगल अगर आ जाएगा तो आपको उसको दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा, कोइंसाइड जब भी कभी बोला जाएगा, एक साथ हिंदी में कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना एक साथ, एक साथ बोल दे हिंदी, ध्यान रखिएगा संपाती भी कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है, तो इन सब का मतलब बिल्कुल सेम होता है, संपाती बोल दे, एक साथ बोल दे, ठीक है, इंग्लिश में कोइंसाइड कह देते हैं, टुगेदर कह देते हैं, इन सब का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है भाई, समझ में आएगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, हमसे कह रहे 9 और 10 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। अब बताइए कंडीशन क्या है विपरीत दिशा की, विपरीत दिशा का मतलब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तो आप कहिएगा सर इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होगा, तो एंगल की जगह लिख दीजिएगा भाई 180 और आर की जगह पे कितना लिख देंगे, जो पहले वाली वैल्यू होगी क्वेश्चन में, है ना, प्राइमरी जो कंप्लीट आर होगा उसी को उठा के लिख देना है। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला आपका वही है, एक ही फॉर्मूला हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बस आर निकाल लीजिएगा एंगल निकाल लीजिएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। प्रदीप जी जीरो का मतलब ये हुआ बाबू, जब कभी भी टुगेदर वाला केस होगा, टुगेदर मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो तो उस समय उनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वही आपके एंगल की वैल्यू को यहां पर लिख देना, ठीक है भाई, क्लियर। अब प्रदीप जी क्लियर हो गया, चलिए जियाम अहमद जी ने दिया है सर ऑप्शन नंबर बी 16 से 9/11, देखते हैं जियाम जी आपका आंसर सही है गलत है। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई जल्दी से फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी 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 से फटाफट, वेरी गुड, स्पीड के साथ हो, स्पीड के साथ चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ भाई करते चलिए करते चलिए करते चलिए, जल्दी से बताइए जल्दी 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 से फटाफट। आगे भाई 13 का आंसर ए, वेरी गुड, 16 से 4/11, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। सेशन को लाइक और शेयर करते चलेगा, आइए भाई जल्दी देखिएगा फटाफट क्या करना है सर। मिनट इज इक्वल टू 60 * में आर की वैल्यू मैंने कहा प्राइमरी वैल्यू लिख दीजिएगा, ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या करना है 2 * एंगल, कितना एंगल की जगह कितना लिख देंगे सर 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा 11। अब इसका आंसर कितना आ सर, मल्टीप्लाई करके सर 9 * 54 540 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 360/11। चलिए भाई अब पहली वैल्यू जब आप निकालिएगा तो 54 और 36 करेंगे सर तो ये हो जाएगा 900/11, और जब आप इसको माइनस करिएगा तो 36 + 10 = 46, 46 + 10 = 56, 180/11। बोले भाई जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 81 सही 9/11 मिनट बाद, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 16 सही 4/11 मिनट के बाद। अब आप कहिएगा सर कि इसमें से कौन सा आंसर मेरा सही हो सकता है, कैसे पता चलेगा, ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जब बताइएगा सभी लोग ध्यान से कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा मेरा आंसर है जो सही हो सकता है या कौन सा आंसर ऐसा अच्छा भाई जो सही नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को सभी लोग, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्लियरली इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन की रेंज देखिए कितनी भाई, क्वेश्चन की रेंज सर 9 बजे से 10 बजे तक, घड़ी कहां से कहां तक चल रही है सर 9 से 10, मतलब घड़ी ने कितना ट्रेवल किया, घड़ी ने ट्रेवल किया सर टोटल मिला के 1 घंटा, मतलब घड़ी ने टोटल मिला के 60 मिनट की मूवमेंट की। तो जो भी आपका आंसर आएगा
वो ध्यान रखिएगा घड़ी की उस रेंज के अंदर ही होना चाहिए जिस रेंज तक वो घड़ी आपकी चल रही है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, 9 से 10 मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो 1 मिनट से लेकर 60 मिनट के भाई बीच में ही होना चाहिए। बोलिए समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब सर 60 मिनट के अंदर ये वाली वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि यहां तो 81 मिनट आ गया भाई, और 81 मिनट तो कभी होता नहीं है। इसका मतलब आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा, 16 से ही 4/11। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है 16 से ही 4/11 ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से सही। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा क्लॉक का ये सेकंड पार्ट आपके सामने जो आया हुआ है। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हो गया भाई सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, है ना भाई, बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि जब भी कभी क्वेश्चन आपसे जो भी पूछा जाएगा, जितने घंटे क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन होता है 9 से 9:30 के बीच में तो आप अपना आंसर देखते हैं जो 30 मिनट के बीच का होता है, ठीक है भाई। अगर यहां बोला गया 9 से 10 तो आप अपना आंसर दे रहे हैं भाई कि 60 मिनट की रेंज के अंदर होना चाहिए था। अगर यही होता 9 से 11 तो आप क्या करते, 120 मिनट के अंदर वाला आंसर आप देते, ठीक है भाई। तो जितने घंटे घड़ी ने मूवमेंट की है उतने घंटे के हिसाब से जितने मिनट होता है उसी मिनट के बीच का ही आने वाला आंसर ही आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट पार्ट कहां मिलेगा, प्रदीप जी इसी क्लास में ही, जो आपने चैनल अभी जिस चैनल पे आप देख रहे हैं अध्ययन मंत्रा यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के नाम से चैनल है, अध्ययन मंत्रा की एक यूनिट है, इस पे आप जब जाएंगे कल वाली क्लास देखिएगा तो कल वाली क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा। हाँ जी, इसके जस्ट पहले वाली क्लास प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में संदीप सर के नाम से वहां प्लेलिस्ट पड़ी होगी, तो उसके जितने भी सेशन होंगे सारे के सारे आप कवर कर लीजिए, क्लियर फंडा। समझ आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अइला इसकी तो हिंदी भाई गड़बड़ हो गई, चलिए कोई बात नहीं, मैं हिंदी इसकी पढ़ लेता हूं, पता नहीं इसमें कुछ फॉन्ट का गड़बड़ी है, लिख लीजिएगा हिंदी इसको क्या कहा जा रहा है। हिंदी ये कह रहा है कि 7 और 8 बजे की, सुन लीजिएगा ध्यान से, कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल पे होंगी, मतलब समकोण पर होंगी, ठीक है भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई अब यहां पे एंगल की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लीजिए, और उसके साथ साथ आर की जो वैल्यू होगी वो आपके सामने दी गई है, फॉर्मूले पे लगाइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट जी, नाहिद जी ने देख लिया जी, नाहिद जी बिल्कुल सही आपने कहा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सारी क्लासेस, तो आप सारे लोग भाई क्लासेस को देख लीजिएगा, रीजनिंग कुछ ऐसी पढ़िए भाई, मैंने कहा है बार बार आपसे ध्यान से, अगर अध्ययन मंत्रा पे आपको संदीप सिंह मिल रहा है भाई रीजनिंग के लिए, तो समझ लीजिए इसको जितना हो सकता है निचोड़ लीजिए, है ना, इस दिमाग को जितना हो सकता है आप निचोड़ लीजिए भाई, डेफिनेटली आपके रीजनिंग में फुल एंड फुल मार्क्स आएंगे, आते रहे हैं, आएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बस उन्हीं का आएगा जो इस दिमाग को निचोड़ेगा, ठीक है भाई। तो जिसके अंदर है दम तो भैया करके दिखा दो फटाफट, हाँ भाई जल्दी उतरेगा सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी सब पढ़ा, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग, थोड़ा लेट है कोई बात नहीं भाई, समय पर रहिए भाई आप सभी लोग, है ना, कैसे सोते हैं, कैसे सो जाते हैं और कैसे नींद आपको आती जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, बताइए, सोना भूल जाइए भाई, है ना, जिसने रातों को काली किया समझ लीजिए उसका जब कभी सवेरा, जब कभी होता है ना, जब कभी सवेरा होगा तो समझ लीजिए कि उसको उस सूरज की किरण सबसे अच्छी लगेगी, जो जो यहाँ पे जो रातों जिसने अपनी काली की हुई है पढ़ पढ़ के, जिसने हाथ अपने रंग लिए कि सर ये पूरा पूरा लिखते लिखते सर पूरे पेन के वहां पे स्याही लग जाती है, समझ लीजिए उन्हीं की किस्मत के पन्ने जो होंगे भाई वो कभी कोरे नहीं होंगे, वो हमेशा ही रंगीन आपको मिलेंगे। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट इसका आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कैसे आपको नींद आ जाती है ना, मैंने कहा था, पता है जब मैं कैट का पेपर दे रहा था कॉमन एडमिशन टेस्ट एमबीए का जो टेस्ट होता है, आप यकीन मानिएगा मैं सोना भूल गया था, आंखों के नीचे ऐसे डार्क सर्किल हो गए जैसे लगता था परमानेंटली भैया क्या लाइनर लगा के काजल लगा के बैठा हुआ है ना, आजकल वाला काजल नहीं जो पतली पतली पेंसिल वाला, वैसा नहीं भैया जैसे मम्मी लगाती ना ऐसे मोटा मोटा वाला वाला आंख वाला है ना, तो उस तरीके समझ लीजिए कि ऐसा लगता था वो परमानेंटली डार्क सर्किल हो ही गए थे। मैंने कहा ऐसा कैसे निकलेगा मेरा पेपर कैट का, है ना, ऐसा क्या है जो सब लोग कैट क्वालिफाई करके आए अहमदाबाद जाके भाई एमबीए कर लेते हैं और मैं यहां पे बैठा हूं, मैं कैसे नहीं कर सकता, है ना। तो जब आपके अंदर इस तरह की जब आग लगती है ना तब समझ लीजिए कि सिलेक्शन आपके लिए भाई आपके पास खुद चल के आता है, फिर आपको सिलेक्शन पर नहीं जाना पड़ता, क्लियर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट इसका आंसर जी। पूजा जी क्या कह रहे हैं सर, अभी हम तो अभी सो के उठे, तो अपना नंबर दे दीजिएगा भैया, हम अभी बजा देते हैं आपका फोन का, हाँ हम तो अभी सो के उठे, बताइए भैया।
ये भी सो के उठे, बताइए। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन हो गया क्लॉक पे, आइए देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ क्या बोला गया, मिनट इज इक्वल टू क्या कहिएगा, 60 इंटू में, फिर से वही कहानी आपके पास आ गई, सर आर की वैल्यू कितनी है, सर आर की वैल्यू है 7, प्लस माइनस करिएगा 2 इंटू एंगल की वैल्यू। देखिए समकोण दिया गया, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यहां लिख दीजिएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या कर देना बाबू 11 कर देना, क्लियर फंडा। अच्छा चलिए बस अब यही कहानी आपके सामने है। अब देखिएगा यहाँ पे एक बार पहले प्लस करिएगा, 7 × 6 कितना हो जाएगा सर 42, 7 × 6 42 मतलब 420, प्लस माइनस 9 दोनों कितना हो जाएगा सर 18, 180 बटे में 11, बोले भाई सही है ना सभी का। अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से, तो 42 और 18 करिएगा, जब एक बार प्लस करेंगे तो 42 और 18 कितना हो जाएगा सर 600 बटे 11, बोलिए। और जब माइनस आप करिएगा तो 12 में से 8 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, यहां जाएगा 3 में से 1 बचेगा भैया कितना हो जाएगा 2, 240 बटे में 11। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 54, 6 बटे 11, ठीक है भाई। और जब 240 बटे 11 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन बनाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21, 9 बटे 11, ठीक है भाई। तो लीजिए भाई एक आंसर आ गया 54, 6 बटे 11, दूसरा आ गया 21। अब देखिए क्वेश्चन में घड़ी ने क्या कहा भाई, घड़ी ने क्या किया, बिल्कुल सही बात है, घड़ी ने क्या कहा, घड़ी ने कहा कि हमें चलना है 7 से 8, मतलब 1 घंटे के बीच का ही आपका आंसर होना चाहिए, मतलब 60 मिनट के अंदर ही आपका आंसर होना चाहिए, और 60 मिनट के अंदर बाबू ये भी वैल्यू है और 60 के अंदर ये भी वैल्यू, इसलिए देखिए आंसर में दोनों ही होंगे। लीजिए देखिए सर दोनों के दोनों ही दिए गए, दोनों में से किसी को आप स्किप नहीं कर सकते, दैट मींस ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड बहुत बढ़िया जी। प्रियंका राठी जी के सर मुझे गांव से लाइब्रेरी आना पड़ता है, कभी व्हीकल टाइम से नहीं मिल पाता कभी सर, कोई बात नहीं कभी सर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, देखिए इतना मत टेंशन लीजिएगा, इतना मत टेंशन आइए भाई, है ना। हाँ अरे मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूं, है ना, इतना टेंशन मत लीजिए, 9:30 बजे का टाइम कर दो सर। प्रियंका जी देखिए समय तो वही है ना कि जो यूजीसी नेट वाली जो क्लास होती है उसका समय फिक्स है, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस एक ही चीज कर सकता हूँ कि मैं सुबह सुबह 9 बजे आके भैया आपकी क्लास शुरू कर सकता हूँ, बस आपको उठना है और आना है, बस यही ध्यान रखना है भाई, बस कोई दिक्कत नहीं, 2-4-5 मिनट के लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्लियर होगा फंडा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। समझ आगे भाई, बस ऐसे लगे रहिएगा, ऐसे लगे रही बस, वेरी गुड बहुत बढ़िया, ठीक है क्लियर हो गया। तो समय तो बाबू यही रहेगा, बट समय के लिए परेशान मत रहिएगा। चलिए आइए जल्दी बढ़ते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन और जहां सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया है 4 और 4:30 बजे के बीच में, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको समझ में आ गया, और साथ साथ देखिए क्या बोला गया बाबू, राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब क्या होता है सर, 90 डिग्री, है ना, हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो गई ट्रांसलेशन, उसको छोड़ दीजिएगा। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, दोनों चीजें आपके पास आ चुके हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट जी, बिल्कुल सही जल्दी से फटाफट, वेरी गुड। 15 का आंसर निधि जी ने दिया ऑप्शन नंबर बी, अर्चित जी दे रहे ऑप्शन नंबर 22, सब लोग आंसर दीजिए विद्या माता कसम पहले बता दे रहा हूं, हाँ जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, दो लोगों ने आंसर दिया, अर्चित जी ने दिया ऑप्शन नंबर बी और निधि जी ने दिया भाई ऑप्शन नंबर बी, बाकी लोग बताइए जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया जी। अर्चित जी ने दिया 15 का आंसर भी, लेकिन साथ में भैया ये तरबूज का है लगा दिए हैं। चलिए प्रियंका जी का सर मुझे बिल्कुल नहीं आता है टॉपिक, प्रियंका जी पिछली वाली क्लास इसकी देख लीजिएगा, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो भाई संदीप सर के नाम से वहां पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, तो उसमें जितनी भी क्लासेस होंगी सारी प्रीवियसली आप देख लीजिएगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा क्या फंडा चल रहा है, ठीक है भाई। हाँ भाई हिमांशी जी ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व जी ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैस्मिन जी ने भी आंसर दिया है 5, 5 बटे 11, वेरी गुड। आइए देखिए समझिएगा भाई, तो क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा, फंडा मेरे पास है, फंडे ने मुझसे क्या कहा, एम इज इक्वल टू 60 इंटू में आर क्या कर देना है, प्लस माइनस क्या करना है 2 इंटू एंगल कर देना है डिवाइडेड बाई, यही फंडा है भाई जो सारे क्वेश्चन को सोल्व करा देगा, ठीक है भाई। अब जरा समझिएगा ध्यान से, m इज इक्वल टू क्या करना है, 60 इंटू में r की वैल्यू कितनी है सर 4 लिख दीजिएगा, प्लस माइनस 2 इंटू एंगल की वैल्यू कितनी है सर 90 डिग्री लिख दीजिएगा, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 11। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 240, प्लस माइनस 9 दुना कितना हो जाएगा सर 180 बटे में 11। अब जब इसको आप प्लस करिएगा तो प्लस करके कितना हो जाएगा सर 24 × 34, 34 × 44, मतलब 420 बटे में 11, और जब आप माइनस करिएगा तो माइनस करके आ जाएगा बाबू कितना 60 बटे में 11। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा भाई 11 × 33, 33 × 9, 11 × 8 = 88, 38 × 2 = 11, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 5 = 5 बटे 11 मिनट बाद। अब जरा समझने वाली बात यह है सर,
समझने वाली बात यह है। हाँ जी बिल्कुल, आपने ऑप्शन नंबर बी को ही क्यों चुना? सर यहां समझने वाली बात यह है, क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था, 4 और 4:30 बजे के बीच में, मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सर 30 मिनट के बीच में, और सर 30 मिनट के बीच में यह आंसर है नहीं, 30 मिनट के बीच में आने वाला सर जो आंसर हुआ है वो है ऑप्शन नंबर, देख लीजिएगा जहां 5, 5/11 लिखा होगा, समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दिए भाई, ठीक ठीक है। ध्रुव जी ने भी आंसर दिया, ध्रुव सोलंकी जी ने भी ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ध्रुव जी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, मेरी क्लास में हमेशा बने रहते हैं ध्रुव जी, बहुत अभी छोटे हैं, अभी छोटे का मतलब अभी मास्टर है, अभी वो अभी मिस्टर नहीं बने हैं, बट कई बात नहीं कि जब वो मिस्टर बनेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए क्लॉक का टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। भाई इस पर फिर लगता है कि मेरी मेहनत थोड़ी सी जाया नहीं हो रही, मेरी मेहनत से भाई वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो अभी जिनका 12th भी पास नहीं हुआ, बट उनको कहीं ना कहीं से इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट के, डेफिनेटली रीजनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में से एक है, बस आप इसको जितना इंटरेस्टिंग होकर भाई पढ़िए उतना ही आपको इंटरेस्ट लगता है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया भाई, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलिए भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते चलते फटाफट देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक और, क्वेश्चन नंबर एक और देखिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह की वैरायटी पे, एंगल वाले पे प्रैक्टिस किया था पिछली बार, इस बार प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम वाले क्वेश्चन पे, जल्दी बताएगा सभी लोग फटाफट, हमसे क्या कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच कब जो होगा भाई मिनट वाली जो सुई होगी वो घंटी घंटे वाली सुई से क्या होगी भाई 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी, जल्दी बताएगा सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करिए भाई प्लीज, सभी लोग आंसर करिए, सिर्फ मोबाइल चला के बैठे मत रहिएगा, सब लोग आंसर कीजिए। हाँ जी, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा भैया क्या करिए, थोड़ा सा उसको गर्म करिए, है ना, ऐसे नहीं गर्म होगी जितना टाइप करिएगा ना ऐसे मैसेज हुआ समझ लीजिए उतनी जल्दी भैया आपकी उंगलियां जो अभी ठंड में एकदम सिकुड़ी हुई होंगी एकदम भैया बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। चलिए भाई जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, सर ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ प्रियंका जी, यही फॉर्मूला हर तरह क्वेश्चन पे लगेगा, एक बार जहाँ पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर बताता हूँ भाई। कुमार जी बहुत लेट है भाई, क्या किया जाए, मार दिया जाए कि मार दिया जाए, क्योंकि छोड़ने वाला काम तो है नहीं भाई, ना 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 छोड़ने वाला काम तो बिल्कुल नहीं है, है ना, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए। अतुल जी क्या कह रहे हैं, सर मैंने सुपर डेट के क्लास लिया है उस पर क्लासेस नहीं दिखा रही हैं। अतुल जी अभी इस पर क्लास नहीं होगी सुपर डेट में, कल तो क्लास मेरी चली है आप एक बार चेक करिएगा। हाँ कल मेरी क्लास हुई थी सुपर डेट में और टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको कौन सा कैलेंडर का पार्ट नंबर 1 है ना, तो एक बार देख लीजिएगा आप, अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो 9555 6 9555 7 जो अध्ययन मंत्रा का हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल करके जो भी आपका इश्यू है आप उसको सॉल्व करवा लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ उस पर सुपर डेट मेरी एक क्लास हो चुकी है, उसमें कैलेंडर का पार्ट नंबर 1 पढ़ाया है जिसमें मैंने ये निकालना आपको सिखाया है कि टू फाइंड डे ऑफ द वीक, है ना, किसी भी डेट पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा डे हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी हाँ जी, जल्दी 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 फटाफट। नहीं मोनिका जी देखिए है क्या कि अब लॉकडाउन वाली सिचुएशन चल चुकी है तो थोड़ा सा जब जिस टाइम पे जैसे मैनेज हो पा रहा है उसके हिसाब से क्लास ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। आप सबको पता है कि दिल्ली में सब कुछ बंद हो चुका है भाई, है ना। हाँ तो प्लीज उस चीज को थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिए अभी इस चीज को लेके भाई, इतना मत अब वो लोग अब इतना मत टेंशन वो करिए, है ना। बिल्कुल, तो जहां जैसे भाई जैसे क्लास अरेंज हो पा रही उस तरीके से कैसे अरेंज किया जाए ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, है ना। चलिए बस आप लोग क्लास टाइम पर रहिए, बस हो गया। हाँ भाई देखिए भाई क्या रहा है इसका आंसर, वेरी गुड बहुत बढ़िया, निधि जी ने आंसर दिया 16 का A और अर्चित जी ने भी आंसर दिया 16 का A और उसके साथ साथ यूपीएससी एस्पिरेंट जैस्मीन जी भी कहते हैं सर ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई समझिएगा ध्यान से, यहां पे क्या है आर की वैल्यू तो बाबू क्लियर है कि आर की वैल्यू आपको कितनी लिख देनी है 3, बट सर व्हाट अबाउट एंगल, यहां एंगल तो सर मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा, तो एंगल कैसे दिखेगा, एंगल के लिए ध्यान रखिएगा 1 मिनट की वैल्यू जो होती है, ठीक है, 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो भाई 6 डिग्री के बराबर होती है, तो कभी कभी क्वेश्चन में सीधा मिनट लिख देता है कि कितने मिनट आगे हो या पीछे हो, तो जितने मिनट लिखा हुआ है यहां 7 मिनट लिखा गया, तो इसका मतलब सर यहां सीधा कहिएगा सर 6 × 7 करके सीधा कहिएगा सर 42 डिग्री, है ना, तो इसका मतलब अब यहां पे एंगल की जगह पे आपको 42 डिग्री लिख देना है और साथ साथ आर की वैल्यू कितनी लिख देनी बाबू 3 लिख देनी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, फॉर्मूला हमारे पास यही था, 60 × में आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस 2 × एंगल की वैल्यू कितनी है सर 42 डिग्री है, और डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा 11 कर दीजिएगा। अब जरा समझिएगा भाई ध्यान से, यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां कितना हो जाएगा सर 180, मैं इस बार सिर्फ प्लस की वैल्यू निकालूंगा, क्यों अब ये मुझे नहीं पता, ये बताएंगे आप सभी लोग, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 18 और 8 कितना हो जाएगा भाई 26, मतलब 264/11, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा 11 × 22 आ जाएगा 24 मिनट, ठीक है, पास्ट
थ्री है ना, 3:24 के बाद दोनों सुइयां क्या होंगी भाई, मिनट वाली सुई जो होगी वो घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे हो जाएगी। क्लियर हो गया फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो आई जा समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल सही बात है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 3:24, तो 3:24 आपके पास दिया गया ऑप्शन नंबर 2 पे। और जिन लोगों ने भाई इसका आंसर, अब आप कहेंगे सर यहां पे आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, बोले भाई अब आप कहिएगा सर आपने यहां माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए जब भी कभी देखिए फार्मूले में जब आप प्लस लगाते हैं, नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले में भाई जब आप प्लस लगाते हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या होती है, आगे होती है। और माइनस आप तब लगाते हैं जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से क्या होती है बाबू, पीछे होती है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ रहता है कि अहेड वाली कंडीशन मिनट वाली या बिहाइंड वाली कंडीशन, तो आप दोनों आंसर निकालते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा कि यहां पे अहेड लिख दिया गया तो आप तुरंत समझ लीजिएगा भाई कि इसका मतलब सिंपल लॉजिक हमसे क्या कह रहा है कि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे हो, और आगे का मतलब क्या होता है भाई, प्लस होता है। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई। बस ऐसे ही हाँ बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अभी बताइए भाई जिनका नहीं बन रहा था, जिसमें प्रियंका जी और बाकी जितने लोग थे जिनका आंसर नहीं आ रहा था, बताइए भाई क्या आप आंसर आने शुरू हो चुके हैं आपके, क्या आप आंसर आने शुरू हो चुके हैं आपके जी? हाँ जैस्मिन जी, मैंने सिर्फ इतनी बताई कंडीशन, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई 7 मिनट का गैप हो, समझिएगा ध्यान से, 7 मिनट के गैप का मतलब क्या है, 3 और 4 बजे के बीच, समझते चलिएगा ध्यान से, समझते चलिएगा भाई ध्यान से, कोई बात नहीं। अगर एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार समझिए, 2 बार नहीं आया, 3 बार समझ में आई भाई, ठीक है भाई, इतनी जल्दी नहीं समझ में आ जाऊंगा आपको, है ना। मैंने आपको बार बार कहा है कि भैया मेरा नाम है संदीप सिंह, मैं भैया क्या कहता हूँ कॉपी पर समझ में आता हूँ लेकिन पेपर पर समझ में नहीं आता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन, देखिए फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखिए जैसे क्वेश्चन ने बोला 3 और 4 बजे के बीच में, तो 3 और 4 बजे के बीच में भाई अगर बात की जाए तो 3 बजे घड़ी आपकी चलना शुरू करेगी, तो 3 बजे देखिए यही सेम कंडीशन है। अगर दोनों सुइयों को एक साथ चलाया जाए, दोनों को अगर एक साथ चलाया जाए, देखिए जब घंटे सुई थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो मिनट वाली सुई कुछ इस तरह कंडीशन पे आएगी जिससे इनके बीच में 7 मिनट का गैप बन जाएगा। क्लियर है भाई? अच्छा फिर इसके बाद वो क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, और ओवरलैप करने के बाद जब वो ओवरलैप करेगी तो ओवरलैप करने के बाद फिर जब मिनट वाली सुई इसको ओवरलैप करके आगे बढ़ेगी तब भी इनके बीच में भाई 7 मिनट का गैप होगा, और फिर करते करते फिर से जब ये कहां पहुंच चुकी होगी, 12 पे, ठीक है भाई, जब फिर से कहां पहुंच चुकी होगी 12 पे, तब तक आर वाली कहां पहुंच चुकी होगी, 4 पे, है ना, 4 वाली पे, सॉरी, तो वो कहां पहुंच चुकी होगी भाई, 4 वाले पे, और जब वो 4 पे पहुंच चुकी होगी तो उस कंडीशन में आपके पास, आपने देखा कि यहां पे आपके पास दो सिचुएशन बनी कि सर 3 से 4 बजे के बीच में जब हमने देखा तो एक बार देखिए वॉलेट कलर वाला जो पार्ट है वहां भी देखिए 7 मिनट का गैप है, और एक बार देखिए जो ब्लैक वाला पार्ट है वहां पे भी 7 मिनट का गैप है। तो ये जो ओवरलैप करने से पहले की जो कंडीशन होती है ये फार्मूले में कब, जब माइनस लगाते हैं तो पता चलता है, और जब ओवरलैप करने के बाद आती बाबू, तो समझ लीजिएगा ये फार्मूले जब आप प्लस करते हैं तब ये निकल के आता है। समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अब समझ में आ गया जी। बबली जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, जल्दी से भाई फटाफट, भाई थोड़ा सा क्लास को आपने लेट ज्वाइन किया बट कोई बात, टेंशन मत लीजिएगा, इस चीज को इस तरीके से आप समझिएगा। अभी क्लियर हो गया भाई? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया भाई? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ओवरलैप करने से पहले एक बार कंडीशन बनती है और एक बार ओवरलैप करने के बाद वो कंडीशन बनती है, चाहे वो 10 डिग्री की बात करे, 20 डिग्री की बात करे, 40 डिग्री की बात करे, 90 डिग्री की बात करे, सब 2 बार बनेगी, एक बार ओवरलैप करने से पहले और एक बार ओवरलैप। लेकिन जब अपोजिट का केस आता है तो 1 घंटे में सिर्फ 1 ही बार होता है, क्योंकि दूसरी बार वो भाई 60 मिनट से ऊपर निकल चुका होता है, आपने देखा होगा इस चीज को। क्लियर? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया भाई? से ऐसा भी पूछा जा सकता है, हमसे कहता है कि पूरे टोटल मिला के, है ना, एक दिन में, है ना, एक दिन में कहता है घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है ना, कुछ इस तरह क्वेश्चन भी आपसे, ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आइए जा देख के बताइएगा जल्दी से फटाफट कि क्या कह रहा है भाई। एक दिन में मतलब 24 घंटे की ड्यूरेशन में, 1-2 घंटे की बात नहीं कर रहा, 24 घंटे की ड्यूरेशन में जो घड़ी की दोनों सुइयां होती है, हमसे कह रहा है कितनी बार वो क्या होती है भाई, समकोण बनाती है, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी 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 फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सुमन जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई,
गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट से नीचे कौन सी लैंग्वेज। कुमार कुमार जी, वो ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया, पता नहीं शायद बोर्ड में दिक्कत हुई या क्या हुआ कि जिस फॉर्मेट से मैंने भाई इसको कहते क्वेश्चन को टाइप किया था, शायद वो कुर्ती देव वाला फॉन्ट यहाँ पे हिंदी वाला लिया नहीं, इसमें कुछ और ही भैया आ गया है ना, और शायद पता नहीं पीडीएफ में आता है किसमें आता है, वो समझ ही नहीं आया मेरे को। चलिए जाने दीजिए, क्वेश्चन मुझे भाई ऊपर से भी समझ में आ रहा है तो उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है भाई। रितिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, बहुत लेट है, बहुत लेट है भाई, बहुत लेट है। चलिए आइए देखिए समझिएगा भाई, देखिए समझिएगा ध्यान से जी। तो जो लोग लिटरली मुझे बड़ा निराश किया है ना, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है बिल्कुल, है ना, मुझे बिल्कुल हार्ट अटैक आने वाला है। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, बस थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही थी। हाँ एक बार ज्यादा देख लीजिएगा, नहीं नहीं यहीं पे हूँ, अरे बस थोड़ा सा माइक में थोड़ा इशू था, देख लीजिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हमेशा चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा एक चीज कि अगर एक घंटे की बात करेगा, एक घंटे में टुगेदर, एक घंटे में एक साथ कितनी बार होती है, नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट, एक घंटे में टुगेदर होती है एक बार, एक घंटे में राइट एंगल बनाती कितनी बार, दो बार, और एक घंटे में 180 बनाती कितनी बार भाई, एक बार। प्लीज नोट कर लीजिएगा, जिन लोगों को मैंने चार बार पढ़ा दिया है और स्टिल वो आज भी वही गलती कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि भैया मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, मतलब वही वाली कंडीशन आ गई है ना, बिल्कुल सही। देख लीजिएगा हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक घंटे की बात करेगा भाई तो टुगेदर, एक घंटे में टुगेदर कितनी बार होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां एक बार, 90 डिग्री का कोण कितने बनाएंगी बाबू, दो बार, और 180 डिग्री का कोण कितने बनाएंगी, एक बार। इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग, इसी पे आपकी सारी की सारी कहानी बनेगी। क्लियर हो गया फंडा? हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसी ब्याह पे कहानी आपकी बनेगी। लेकिन क्वेश्चन में जब भी कभी आपसे अगर 12 घंटे की बात करे तो 12 घंटे में हम क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसकी वैल्यू को, ठीक है भाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। और अगर आपसे 24 घंटे की बात करेगा तो 24 घंटे का मतलब हम क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके एक घंटे की वैल्यू को, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, इसी पे आपकी सारी कहानी बन जाएगी। क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि 24 घंटे में, एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी, तो एक घंटे में राइट एंगल कितनी बार था भाई, दो बार, तो 24 घंटे का मतलब क्या करिएगा, 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सर दो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 44 बार आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तो जो 22 बार दे रहे मुझे क्यों, मुझे को नहीं पता चल रहा है, इतनी बार उनको पढ़ाया जा चुका है भाई, उसके बाद बिल्कुल सेम वही गलती, बार बार सेम वही गलती एक बार, लेकिन मैं तो लगा भाई, मैं तो जिद्दी हूं,
मैं तो जिद्दी हूं, मैं तो सिखा के मानूंगा, जितनी बार गलतियां करें उतनी बार मैं आपको समझाऊंगा, भले मैं थोड़ा सा अंदर से हर्ट हो जाऊंगा अलग बात है, लेकिन सिखा के मानूंगा, क्योंकि पेपरवा क्लियर करने के लिए बार बार रिपीटिशन, कहते ना कि जो प्रैक्टिस करता है, जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, जब तक आपको बार बार वो चीज कान में नहीं डाली जाएगी, तब तक आप नहीं सीखेंगे। ये मेरे को पता है, लेकिन मैंने भी जिद पाली है कि भाई मैं तो इस बार आपका सिलेक्शन करा के मानूंगा, आपको लेना हो सिलेक्शन न लीजिए, लेकिन मैं तो आपका सिलेक्शन कराने पर उतारू हो चुका हूं। ठीक है भाई, तो जिन लोगों ने इसका आंसर भाई दिया वेरी गुड, जिन लोगों ने इसका 44 टाइम्स दिया है ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही, और इसके अलावा कुछ और आपने दिया भाई तो उनकी कहानी है गड़बड़। तो ये है भाई आपका फंडा, आई विश कि हाँ जी, तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही है। तो क्लॉक का फंडा जो आपके यूजीसी नेट में आता मेरी तरफ से हो चुका है ओवर, और आपकी तरफ से प्रैक्टिस करना कर दिए शुरू। तो बस इसी उम्मीद के साथ बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सेशन अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा बाकी उन सभी लोगों तक जो क्लास में लाइव नहीं आ पाए हैं, और कोशिश किया करिए क्लास में लाइव आने के लिए भाई, क्योंकि लाइव क्लास से आपको पता चलेगी आपकी स्पीड और उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी। ठीक है भाई, चलिए आज इतना है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते, तब तक ले जाए।